तो वहीं आज का दिन बेहद ही खास है। साधु संतों का ऐसा मानना है कि आज ही के दिन शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और आज ही के दिन पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी हुई थी। इतना ही नहीं, इन ज्योतिर्लिंग के सर्वप्रथम पूजा विष्णु और ब्रह्मा ने की थी। हमारे लखनऊ संवाददाता रामानुज ने मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी से बातचीत कर जाना आज का महत्व। शिवरात्रि के दिन आज जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई, और हमारे साथ मौजूद हैं दिव्या गिरी जी, महंत हैं जो है मनकामेश्वर मंदिर की। महंत जी, ये बताइए कि लगातार जो है भीड़ सैलाब आया हुआ है जो जनता जनार्दन का, या यूं कहें कि भगवान शिव भक्तों का। देखिए, पूरे कोरोना काल के बाद में ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पे बिल्कुल सरकारी तौर पे भी और सामाजिक तौर पे कोई रोक टोक नहीं है, तो निसंदेह भीड़ तो बढ़नी ही है। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, रात्रि के 12 बजे तक ऐसी भीड़ रहेगी। थोड़ा सा आग्रह यही रहेगा सारे शिव भक्तों से, जो भी मंदिर आना चाहते हैं या जो आ रहे हैं, वो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, मास्क जरूर लगा के रखें। देखिए, आज के दो ऐसे योग्य बन रहे हैं, एक शिव योग है और एक सर्वार्थ सिद्धि योग है, कि इसमें की गई पूजन का अनंत गुना फल मिलता है। वैसे तो सारा दिन में आप कोई प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, पूजन करते हैं, तो वो इतना पुण्य अर्जित कर लेता है कि वर्ष भर तक आपको सही रखता है। तो शिव भक्त तो नहीं मानने वाले हैं मंदिर आने से, परंतु जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए एक बेहतर होगा कि बंक करके एक मंत्र है, बा में ऊपर अंकी बिंदी लगती है, वो अगर उसको आप 1.25 लाख या जो भी जितना आपको पास समय है, अगर उसका जाप कर लेते हैं आप, तो आप शारीरिक तौर पे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ऐसा इसका विधान होता है। और बेलपत्री का तो अलग महत्व है ही, जो लोग चढ़ा सकते हैं बिल्कुल चढ़ाए, नहीं तो जो आज मंदिर नहीं आ सकते हैं, कल प्रसाद स्वरूप एक बेलपत्री और एक पुष्प जरूर ले जाके अपने घर में या अपने जो भी उनका तिजोरी वगैरह है उसमें अवश्य रखें। तो ये थी महंत दिव्या गिरी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि शिव भक्तों के पास जो है कोरोना काल के लिए भी एक राम बाण है, जो मंत्र जाप करें उससे कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य लाभ है, और अगर जो नहीं आ पा रहा है वो कल भी आकर जो है बेलपत्र और पुष्प ले जाकर अपने घर रख सकता है, और जो है वो पूरी तरीके से प्रसन्न है। और तमाम जो अब जनता जनार्दन की अगर बात की जाए, जो शिव भक्तों की बात की जाए, तो भीड़ लगातार अभी भी उमड़ रही है। शैलेश पांडे के साथ रामनुज भट्ट, जनता टीवी। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भगवान शिव मनकामेश्वर, सोमेश्वर, तशकेश्वर और दशाश्वमेध रूपों में विद्यमान है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सृष्टि की रचना के लिए किए गए दशाश्वमेध यज्ञ से पहले ब्रह्मा जी ने खुद अपने ही हाथों भगवान शिव के प्रतीक को गंगा के तट पर स्थापित कर खुद उनकी पूजा की थी। महाशिवरात्रि के पर्व पर माघ मेले में भी श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित मिश्रा ने मनकामेश्वर मंदिर के पुजारी से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है, इस समय हम मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ पड़ा है, और बात करें तो सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिरों में आ रहे हैं। इस समय मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हैं, और आप अपने कैमरा मैन कहेंगे वो तस्वीर आपको दिखाई किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो मंदिरों के सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे मंदिर के आचार्य जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कितना महत्व है आज के दिन का और क्या? शिवरात्रि का महान पर्व है, जिसमें से देश नहीं विदेश के लोग यहाँ आकर के भगवान मनकामेश्वर भगवान के चरणों में पूजन अर्चना, सहस्त्रार्चन, रुद्राभिषेक, अनेक अनेक कार्यों से अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार अभिषेक करते हैं। जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, गन्ने के रस से, मधु से, शहद से, घी से, मधु दही से, अलग अलग कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भक्तों की संख्या यहाँ लाखों की संख्या में विराजमान है। जो कुछ जिनके पास भी जो सामग्री है, दूध से, जल से इत्यादि से अभिषेक करते हैं, उनकी कामनाएं भगवान मनकामेश्वर भगवान दूर करते हैं। शिवरात्रि का जो महान पर्व है, आज के दिन भगवान शिव पार्वती जी का पारिग्रहण संस्कार शिवरात्रि में विवाह इत्यादि से संपन्न हो करके विधि विधान से चार पहरों के अनुसार भगवान का रुद्राभिषेक, भगवान का पूजन अर्चना, वंदन, ये सब किया भक्तों के द्वारा की जाती हैं, जिन कारण
भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप देख सकते थे हमारे साथ आचार्य थे, इन्होंने बताया कि माँ शिवरात्रि की बात करें तो श्रद्धालु अपने श्रद्धा के अनुसार गंगा जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं और गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं। तो तमाम तरह के जो श्रद्धालु हैं वो अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर की बात करें तो मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और ये अक्षय वट के समीप में स्थित है, इसलिए अगर बात करें तो यहाँ पूजा अर्चना करने का महत्व और बढ़ जाता है। वीडियो जानने सत्यन कुमार के साथ अमित मिश्रा, जनतन टीवी, प्रयागराज। वहीं शिवरात्रि के मौके पर वाराणसी में भी मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हमारे सहयोगी अभिषेक ने जायजा लिया, देखिए। हम वाराणसी के मार्कंडेय महादेव मंदिर में स्थित हैं और बराबर आपने मृत्युंजय मंत्र की का जिक्र सुना हुआ होगा, जो कि काफी प्रभावी मंत्र है। ये मार्कंडेय ऋषि हैं, इन्हीं ने एक तरीके से कह सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र की एक तरीके से इन्होंने उपासना की और महामृत्युंजय किस तरीके से भगवान प्रसन्न हुए और किस तरीके से वरदान दिया मृत्यु का, इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पंडित मौजूद है। किसका मंदिर है ये? मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर बोला जाता है। मार्कंडे जी स्थान ऊपर है और ये भगवान शिव है। भगवान शिव के ही द्वारा मार्कंडे जी के द्वारा ही भगवान शिव की यह स्वयं जमीन से निकले हुए हैं। पहले मृकंड पुत्र मार्कंडे ऋषि के पिता का नाम मृकंड ऋषि, उनकी माता का नाम रेवती। 88,000 ऋषियों में यही ऐसे एक ऐसे ऋषि हैं जिनके पास पुत्र और पुत्री कुछ भी नहीं था। इनको लोग वचन बोलते थे कि बिना पुत्र गति नास्ती, बिना पुत्र की गति नहीं बनती। भगवान शिव के ही पूजा पाठ जब तक प्रार्थना करके मार्कंडे जी प्राप्त हुए और भगवान शिव की पूजा पाठ जब तक प्रार्थना करके इन्होंने अमृत को प्राप्त किया। तो यहाँ पे पुत्र के लिए, ग्रह बाधा और आयु के लिए पूरी दुनिया का ये दुर्लभ स्थान माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की यही स्थापना हुई भगवान शिव के द्वारा, मार्कंडे जी की ही, मार्कंडे जी ने ही महामृत्युंजय मंत्र को उत्पन्न किया। तो ये भगवान शिव का जागृत शिवलिंग है और दूर दूर से इस मंदिर में लोग आते हैं पूजन अर्चन करने के लिए। और जिन लोगों को संतान की समस्या होती है या फिर आरोग्य किसी भी तरीके की बीमारी से वो पीड़ित होते हैं, वो यहाँ आते हैं और विशेष तरीके से पूजा आराधना करते हैं। इसके बाद भगवान शिव जो है वो प्रसन्न होते हैं और उन्हें मन चाहा वर देते हैं। सहयोगी अनुप के साथ में विशेष श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।